তরফ থেকে আমরা আঞ্জুমান গার্লস হাই স্কুলকে 21,000 টাকা ডোনেট করছি ডেভেলপমেন্টের জন্য। আমাদের বরাবর আমাদের এলাকার বড় আমাদের সাবি আহমদ সাহেব আছেন, ওনার হাতে আমরা এই চেকটাকে অনুরোধ করছি ওনাকে আঞ্জুমান স্কুলে কাকিনাড়ার যে ব্রাঞ্চ আছে আমাদের, আমাদের হেড অফিস হচ্ছে লেডিস পার্কের অপোজিট, এটা নিয়ে 13 ব্রাঞ্চ বেঙ্গলের বাইরে এখন পর্যন্ত হয়নি, কাজ চলছে, আশা করি ঈদের পরে ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই মুম্বাই আর ভুবনেশ্বর আমাদের ওপেনিং হবে। 46,700 রুপিয়া কা এক অফার প্রাইস, इस बार भी हम लोग ने जनवरी और फरवरी के लिए वो ऑफर प्राइस जो है वापिस चालू कर दिया है, जिसमें अलहमदुल्ला करीब 450 लोग गए थे हमारे, और नॉर्मल प्राइस जो है वो तो लोग जा ही रहे रेगुलर। हमारे हिसाब से नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ फैसिलिटी की जरूरत है, क्योंकि लोग जो जा रहे हैं हमारे साथ में वो सब खुद आगे बोल रहे हैं, पहले जिसके साथ हम गए थे उससे बहुत ज्यादा हम लोग उम्मीद से ज्यादा मिले। ये जो हमारा बहुत कम वक्फा का ये हालत होगी वो आज हम प्रकट हो रहे हैं, ट्रैवल करने का बहुत कम वक्फा में अलहमदुल्ला काफी तरक्की हुई है। इसका तरक्की करने का वजह है कि हमारी खिदमत, हम लोगों को जो खिदमत दे रहे हैं, जो उनके साथ में बिहेवियर कर रहे हैं, मौत टू मौत एडवर्टीजमेंट हो रहा है। ये एक आदमी यहाँ करके 10 आदमी को बोलता है जाना था, पहले भी किसी ऑनलाइन भी है, मेन ऑफिस पे भी है। देखिए ये जो क्या, इसमें आपको पासपोर्ट वीजा का जरूरत पड़ता है, जिसके लिए फोटो देना पड़ता है, इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रांच खोल रहे हैं ताकि लोगों को बुकिंग में तकलीफ नहीं हो। वो सलाहियत नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाकर अल्लाह की घर की ज्यारत कर सके, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि जो लोग जाने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन पैसे की मजबूरी के कारण नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग बहुत कम से कम लिमिटेड अमाउंट में, समझ लीजिए कि जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, हम लोग उस अखराजात में लोगों को अल्लाह के घर की ज्यारत कराने का नजफ उन लोगों को हासिल दिया जा रहा है। और हम लोगों की कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑफिस करें, सिर्फ मगरिब बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, ताकि जो लोग अल्लाह के घर की ज्यारत करना चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरी के कारण नहीं जा पा रहे हैं, उनकी मजबूरियों का हम रास्ता निकालें, उनको एक दिशा दिखाए ताकि वो अल्लाह के घर की ज्यारत कर सके। अभी हाल ही में पिछले 2 महीना पहले 450 से तकरीबन 500 लोगों की ट्रिप गई थी वाय एमिरेट्स और वाय इत्तेहाद के तहत, जो कि बहुत महंगे एयरलाइंस है दुनिया की, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 47,000 की रकम में लोगों को अल्लाह के घर की ज्यारत कराई। वहां से आने के बाद लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत लोगों ने कुछ रेटिंग्स भी दी ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पे, और उन लोगों का कहना है कि हम लोग पहले भी गए हैं मगरिब बंगाल के दूसरे टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए से, लेकिन जो खिदमत इन लोगों ने दी है, जो सुविधाएं इन लोगों ने हम लोगों को दी है, वो सुविधाएं आज तक किसी ने नहीं दी है। बहरहाल अल्लाह के घर की ज्यारत कौन नहीं करना चाहता है। हम लोग गए हफ्ता में मालदा, किशनगंज, मुर्शिदाबाद का भी मैंने दौरा किया, मैंने देखा वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको जाने का जरिया नहीं मालूम है, हम लोग जाने का जरिया भी प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग एक और चीज़ पे बहुत जोर जोर से काम कर रहे हैं, जैसे अभी सभी अहमद साहब के हाथों से अंजुमन हाई स्कूल को 21,000 रुपए का एक चेक दिया गया डेवलपमेंट के, जो लोग जनवरी और फरवरी की फ्लाइट के लिए रवाना होंगे अल्लाह के घर की ज्यारत करने के लिए। साथ ही साथ 50 लोग हमारे इस ट्रेवल के जरिए से इस साल बैतुल्ला हज के लिए भी जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके हज को कबूल करे। बहुत सारी और भी प्रोसीड्योर है और भी काम को अंजाम देने का हम लोगों ने सोचा है, जैसे खासकर माइनॉरिटी, सिर्फ माइनॉरिटी मुसलमान तो नहीं होते, और भी कौम में माइनॉरिटी को गिना जाता है। हम लोग की कोशिश ये कि सिर्फ हमारे बच्चे नहीं बल्कि हर माइनॉरिटी कौम के बच्चे आगे बढ़े, तालीम हासिल करें, हम लोग हर तरीका से उन लोगों को प्रमोट करने के लिए हमेशा तैयार है, और इंशाल्लाह आगे भी उनके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, यही हम लोगों का मेन मोटिव है। बच्चियाँ टॉप 10 कर रही है इस अल हबीबी टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए से, हम लोग उनको फ्री में उमरा की ज्यारत कराएंगे, और उनके घर वालों को एक मेंबर आपको 25% डिस्काउंट देकर उनको भी साथ में भेजा जाएगा। इस अच्छे काम को आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें ताकि लोग देखें कि सिर्फ सियासी मंच ही नहीं कौम को आगे बढ़ा सकता है बल्कि कौमी मंच भी कौम को आगे बढ़ा सकता है, यही हमारी सोच है, यही हमारी उम्मीद है। मैं शुक्रगुजार करता हूँ आज हबीबी स्टूडेंट ट्रेवल्स का, जहाँ मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ,
আমাদের জাতিদের মধ্যে হোক বা অন্যান্য জাতিদের মধ্যে হোক, যে লোকগুলো যারা মাইনরিটি আন্ডারে পড়ে, যদি এরকম কোনো আর্থিক অবস্থা অসুবিধা হয় কিন্তু পড়াশোনা বা খেলাধুলায় খুব ভালো থাকে, আমরা তাদেরকে তাদের জীবনকে ভালো করার জন্যে, তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্যে আমরা এই অভিযানটা চালিয়ে থাকব। আর আশা করি ওনাদের আশীর্বাদ আমাদের উপরে থাকবে।